لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض في إن الحج فلا رفس ولا فسوك ولا جدال في الحج صدق الله العظيم

आपको स्पेशल हज ट्रांसमिशन में खुश करता हूँ नादरिन ये स्पेशल प्रोग्राम है जो इन पूरे अशरे में जारी रहेगा और रोज़ाना आप देख सकेंगे छः से सात बजे तक इसका एक घंटे का दुरानिया होगा और पूरे दिन के अंदर मुख्तलफाना के तहत हज के जो मुख्तफ मौजू हैं उनके हवाले से भी गुफ्तु होगी तो ये स्पेशल ट्रांसमिशन है और आज जो है वो यकम जिलहज्जा है और अशर जिलहज्जा जो है वो शुरू हो चुका तो ले सबसे पहले तो आप सब हजरात को जिलहज्जा के अशर की मुबारकबाद हो जिलहज्जा के चाँद की मुबारकबाद हो और अल्लाह ताला मुझे आपको हम सब को इस जो अशरअ है इसकी बरक़ात अता फ़रमाए और ये इंतहाई मुबारक अशरा है बाबरकत अशरा है अल्लाह अल्लाब्ज़त ने कुरान पाक में इसकी कसम खाई वल्फरी वलयालिन अशर कसम है फ़जर की आशर और दस रातों की वशफ़ी वलवतर और जुफ्त की और ताक़ की तो इससे मुरातल ने फ़रमाया कि भाई इससे मुराद ये अशर हजा है और ये इस अशरे के अंदर जो तीन दिन हैं योम आरफ़ा योम तरविया यौम नहर ये तीनों दिन बहुत ही बाबर का दिन है फिर उसके अलावा याम तशरी़ के दिन हैं जो याम तशरी के दिन हैं वो नौ जिलहज्जा से लेके तेरह जिलहज्जा की मगरिब तक रहते हैं तो ये पाँच दिन हैं तो पाँच दिन हो गया याम तशरी के एक दिन हो गया योम आरफा का एक दिन हो गया योम नहर का एक दिन हो गया योम तरविया और इसी तरीके से पाँच दिन होते हैं जिनको हम कहते हैं याम हज तो अलहद जो मीना के अंदर क़याम होता है और आठ ज़ा को फिर उसके बाद नौ हज्जा को योम आरफा जो हज का रुकन आदम है उसको अदा किया जाता है और फिर नौ हज़ा की रात को ही क़याम किया जाता है फिर इसी तरीके से जो है वो दस धील को जो दूसरे अरकान हैं हज के रमी करना कुर्बानी करवाना और इसी तरीके से हलक करवाना फिर तवाफ़ ज़्यारत करना और फिर जमरात की रमी ग्यारह ल को बारह ल्ज़ा को होती है बारह ील के बाद जो है वो हज जो उसके अयाम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं तो लिहाजा हज इन दिनों के अंदर किया जाता है हजर व मालूम हज जो है वो उसके मालूम महीने हैं यानी कौन से महीने हैं वो ये महीने हैं शवाल क़ादा ल इन महीनों के अंदर हज किया जाता है यानी हज का सफ़र शुरू किया जाता है और हज के अयाम तो खसूसी तौर पर आठ झीलहज़ से लेकर तेरह ला तक होते हैं तो लिहाजा नादरी और ये जो अशर है जिसको हम जिल धल्हजा कहते हैं ये बहुत ही मुबारक अशर है अल्ला के रसूल सल वसम शाद फरमाया कि दिनों में ये दस दिन बहुत मुबारक दिन है और सूरज पूरे साल के अंदर जितने बाबरकत एयाम हैं उन में तुल्लु नहीं होता सिवाए इनके जैसे रमज़ान मुबारक का महीना बड़ा फजीलत वाला महीना है बहुत बाबरकत महीना है और उसके आखिरी अशरे की अपनी अहमियत है क्योंकि उसके अंदर सत्ताईसवीं शब और उनतीसवीं शब और पच्चीसवीं और इक्कीसवीं और तेईसवीं शब होती हैं और उसमें ही कदर होती है और उसके आखिरी अशरे में ही जो है वो लतजाइज़ा चांदरात होती है तो जैसे रमज़ान का पूरा महीना बाबरकत फजीलत वाला रातें फजीलत वाली इसी तरीके से आखिरी अशरे की रातें हैं और उनमें भी ताक रातें हैं बड़ी फजीलत वाली हैं इसी तरीके से जो अयाम हैं उन अयाम के अंदर ये जो दिन हैं ये दिन बड़ी फजीलत वाले हैं जैसे सत्ताईसवीं शब को एक ख़ास हैसियत हासिल है ना कि लोगों के जहनों में ये है कि जी वो कदर होती है आ, आम तौर पर ज़्यादातर की राय भी यही है लेकिन कदर इक्कीसवीं पच्चीसवीं तेईसवीं और आ, इसी तरह से पच्चीसवीं सत्ताईसवीं उनतीसवीं से किसी एक रात में भी हो सकती है तो जो कदर को जो फ़जीलत हासिल है रातों में उसी तरह की फज़ीलत जो है वो हासिल है योम आरफा के दिन को तो ये जो दिन है वैसे अल्लाह ताला ने रातों में एक बड़ा मकाम रखा है लेकिन जो रातें हैं रमज़ान की रातें फिर अशर आख़िर की ताक रातें फिर इसी तरीके से ललतुल्कदर की रात ललतज़ा पंद्रह शबान की रात शब माज की रात फिर इसी तरह से चांद रातें ये सारी बाबरकत रातें हैं लेकिन जो दिन हैं वो ये दिन इन अयाम के अंदर हैं जैसे योम नाहर यौम, यौम तरविया योम आरफा तो ये बड़े मुबारक दिन हैं और ये दिन आज शुरू हो चुके हैं अलहदिल्ला आज यकम झलह है और जो हजार कराम हैं वो इन हज की सदत को अदा करेंगे फरीज़े को अदा करेंगे और वो मक्तुलमकरमा के अंदर है और बाकी हम सब जो मुसलमान हैं जो पूरी दुनिया के अंदर रहते हैं वो इन दिनों के अंदर ख़ास तौर पर जो कुर्बानी का जो फरीजा है उसको अदा करते हैं और ये एक वाजिब फरीजा है जैसे यौम आरफा का रोज़ा रखना है सुन्नत आमल है हज़ू ने फरमाया जो शख्स यौम अरफा का रोज़ा रखता है वो उसके लिए कफ़ारा होता है एक साल माकबल और एक साल माँ तो लिहाजा वो सुन्नत आमल है उसके लिए कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है यानी उसकी फ़जीलत बहुत है योम अरफा के दिन की फजीलत बहुत है लेकिन वो रोज़ा रखना कोई फ़र्ज़ नहीं है लेकिन कुर्बानी एक ऐसी इबादत है जो ग़ैर हाजी को भी रखना अदा करना ज़रूरी है और वो पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी साहिब निसाब मुसलमान हों और अल्लाह ताला ने उनको इस्तात दी हो तो वो कुर्बानी की इबादत को अदा करते हैं वो वाजिब है और वो हर एक मुसलमान पे नहीं होती वो जो वो खुशहाल मुसलमान हैं साहिब निसाब हैं उनके ऊपर होती है तो लिहाजा वो एक फरीज़ा है जो हम अदा करते हैं तो इस हवाले से ये अशरा बड़ा अहम है अब देखें इस अशरे के अंदर हमने जो हैं, वो क्या करने हैं कि सबसे पहले योम आरफा का दिन का रोज़ा है फिर इसके उसके बाद जो है योम नाहर के दिन कुरबानी करनी है फिर एयाम तशरीक़ हैं कि हर नमाज के बाद तकबीरत तश्ी का पढ़ना वाजिब है तो ये और चांद तो अब हो चुका आज पहली रात पहला दिन है यकमज़िल हजा का तो वो हजरात जो कुर्बानी करना चाहते हैं तो उनके लिए होता है कि भाई वो अपने नाखून वगैरह ना कटवाएं बाल वगैरह ना कटवाएं तो लेकिन अब जिन्होंने नहीं अब चांद हो गया जिन्होंने कुर्बानी करनी है वो ना कटवाएं और जिनके बाल नाखून बड़े हैं तो वो कटवा भी सकते हैं क्योंकि ये एक मस्त अमल है तो लिहाजा नाजरीन जब भी हज का तस्करा होगा जब भी कुर्बानी का तस्करा होगा ये सारे जो मनासिक हैं हज के और ये जो कुर्बानी की जो की जो हकीकत है ये आमाल किसके हैं ये आमाल हज़रत इब्राहीम और, और उनकी अहलिया हज़रत हाजरा के और अल्लाह तुम अफ़ाल थे और उनकी जो अदाई थी उनको अल्लाह तबादत का रंग दे दिया और अलहदुल्ला अब मुसलमान जो है वो हज करते हैं इसी तरीके से मुसलमान क़ुरबानी करते हैं तो जब भी हज्ज़ा का महीना शुरू होता है तो ज़ा का महीना शुरू होगा तो हज़रत इब्राहीम की जो है वो यादगारेंत सलाम की हजरत हाजरा की तो उसका पस मंज़र हम बयान करते हैं और होना भी चाहिए और अल्लाह तो हज़रत इब्राहीम को जो मकाम दिया है उसका हर मुसलमान को पता होना ज़रूरी है देखें अम्बिया आए सवा लाख के करीब अम्बिया अम्बिया के आए जो अबुल बशर हैं वो तो हज़रत आदम सलाम हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने हाथों से पैदा किया जिनको अल्लाह ताला ने ये मकाम अता किया कि वो तमाम की तमाम इंसानियत के जदम अमजद हैं वालिद हैं अबू अबुल अबु बशर उनको कहा जाता है आदम का मतलब ही यही है कि असल जो इंसानियत की असल है आदमीत की असल जिसको अदीम कहते हैं असल किसी चीज़ की का असल होना इसलिए उनको उनका नाम ही आदम है तो लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं उनको अम्बिया का खिताब दिया गया कि वो अम्बिया के वालिद हैं अल्लाह ताला ने उनको ये मकाम अता किया देखें हम ख़ास तौर पर मुसलमान जो हैं उनके नज़दीक हज़रत इब्राहीम की बड़ी अहमियत है क्योंकि हज़रत इब्राहिम आसमाम वो शख्सियत हैं कि तमाम मजाहब के लोग उनको अपना पेशवा मानते हैं क़ुरान में अल्लाह तीज़ को वजाहत के साथ बयान कर दिया कि माँ काना इब्राहिम यहूदीऊँ वला नसरानी वला किन कान हनीफ़ा मुसलिमा व माँ काना, मा काना मिनलमशरिकीन ना इब्राहिम यहूदी थे ना इब्राहिम आल्लाम जो है नसरानी थे वला किन कान हनीफा बल्कि वो क्या थे हनीफ थे हनीफ कहते हैं यकसू होना हर तरफ़ से अपने आप को हटा कर और हर तरफ़ से अपनी तवज्जो को आ, हटा कर अल्लाह की तरफ़ एक खुदा और एक रब की तरफ एक अल्लाह की तरफ मुतवज़ कर देना हनीफ उसको कहते हैं तो वो कौन थे वो हनीफ़ थे वलाकिन कान हनीफ हम मुसलिम और वो मुसलमान थे वमाँ कान अमिनमशरक और हजरत इब्राहिम इब्राहीम मशरकिन भी नहीं थे तो वो मुशरिकों में से भी नहीं थे अब ये बात इस्टैब्लिश हो गई कि हजरत इब्राहीम सलाम जो है अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम आसमाम को ये मकाम अता किया यह एजाज़ अता किया नाजरीन क्यों अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम को ये मकाम दिया है अगर हम हज़रत इब्राहिम सलाम की शख्सियत का मताल करें तो कुरान में अल्लाह ताला ने कई जगह पे उनका तस्करा किया है बेशुमार जगह पे उनका नाम लेके तस्करा किया तो ये कोई मामूली बात नहीं है तो अल्लाह ताली ने जो उनको जो एज़ाज़ दिया है वो उनकी क़ुरबानी का के बदले में दिया है वह जो उन्होंने हिम्मत से काम लिया इस्तिकत से काम लिया सब्र से काम लिया और जो वक्त के फ़िर नमरूत को उन्होंने ललकारा और इसी तरीके से जो है वो तोहद का आलम बुलंद किया और शिर्क से अपने आप को भिजार किया तो लिहाजा इस वजह से अल्लाह ताला ने उनको ये एज़ाज़ दिया क्योंकि उनकी जो कुर्बानियाँ हैं कुरान कहता है वज़ब तला इब्राहिम रबूबलीमातिन फ़ातम महुन कि हमने हज़रत इब्राहीम को आज़माया वज़ब तला इब्राहिम और बिकलीमातिन चंद कलीमात के साथ क्या वो कलीमत क्या थे वो चंद आजमायशें थीं फ़आतम महन और उन्होंने उनको पूरा किया उन आजमाइशों पे पूरा उतरे हैं तो ये एक बहुत बड़ा आ, उनके ऊपर आजमाइश थी और उन आजमाइश में वो पूरे उतरे और उसके इवज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको क्या मकाम दिया दो बातें अल्लाह ताला ने उनको अता की एक क्या कि वत इब्राहिम खलीला अल्लाह कहते हैं हमने इब्राहिम को अपना दोस्त बना लिया देखिए कितना बड़ा एजाज़ है कि अल्लाह ताला इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं कि इब्राहिम जो है वो क्या है वो हमारा दोस्त है तो ये दोस्ती का रिश्ता अल्लाह ने पैदा किया हज़रत इब्राहिम इब्राहीम के साथ और दूसरा अल्लाह ताला ने जो इनको एज़ अता फ़रमाया वो क्या इन इब्राहिम काना उम्मतान क्या हज़रत इब्राहिम जो है वो पूरी एक उम्मत है अपनी ज़ात में कहते ना ये शख्स कोई आदमी अगर मुताला करता है और उसके पास इल्म होता है वो कहते हैं कि ये अपनी ज़ात में लाइब्रेरी है कोई शख्स जो है इतना ताकतवर होता है इतने कुवत वाला होता है तो कहते हैं तो अपनी जात के अंदर पूरी एक आर्मी है वन आर वन मैन आर्मी शो या सुपर मैन है ये या सुपर ह्यूमन है ये यानी वो एजाज़ हम देते हैं ना लोगों को तो अल्लाह ताला कहते हैं न इब्राहिम का ना उम्मा कि हज़रत इब्राहिम जो थे वो गोया के उनका जो मकाम है वो गोया के एक उम्म का है तो ये अल्लाह ताली ने उनको एजाज़ अता किया था तो ये एजाज़ किस वजह से अता किया नाज्रीन वो चंद बातें हैं जो आपको आपके सामने मैंने पेश करनी है सबसे पहली बात यह है कि देखें नमरूद ख्वाब देखता है कि उसकी रियाया में एक बच्चा पैदा होगा और वो उसकी बादशाहत को ख़त्म कर देगा अब जब वो लोगों से पूछता है भाई अब क्या करें वो कहते हैं भाई अब ये है कि आप पाबंदी लगा दें आप एक साल के लिए पाबंदी लगा दें कि कोई बच्चा पैदा ना हो अब बताएं जैसे देखें ना अब चाइना के अंदर पहले थी वन फैमिली वन किड्स वन पेरेंट्स वन किड्स का था ना एक बच्चे का तस्वर फिर फिर दो बच्चों का तस्वर हुआ अभी कुछ अरसे पहले उन्होंने तीन बच्चों का कर दिया तो वो हुकूमती सतह पर उसने पाबंदी लगा दी कि भाई कोई बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए तो लिहाजा अल्लाह का करना कैसा कि जो उनके वालिद हैं अब हज़रत इब्राहिम सलाम के जो वालिद हैं उनको आ, कुरान में उनका नाम जो है वो आज़र आया है और हदीस की किताबों में और तारीख़ की किताबों में आया है कि तारु अब ये उनके वालिद थे चचा थे इस बहस में मैं नहीं पढ़ता लेकिन अक्सर वलामा की राय ये है कि उनके वालिद थे कुछ मा कहते नहीं उनके चचा थे अच्छा उससे हट के के हजरत उन आज़र जो हैं उनके यहाँ अल्लाह ताला ने ये बच्चा पैदा हो गया हज़रत इब्राहिम इब्राहीम तो अब उनकी वालदा ने हज़रत इब्राहिम की वालदा ने अपने शोर से इस बात को छुपाया और ले जाकर इनकी डिलीवरी की कहाँ पे एक पहाड़ के अंदर और शोर से कहा कि जी वो बच्चा पैदाइशी जो हुआ था वो मिस कैरिज हो गया मुर्दा हुआ था ऐसे इंतकाल कर गया तो कहा कि मैं इसको छुपाती हूँ इस बात को ताकि मेरे बच्चे की हिफाज़त हो जाए जब हजन सलाम नाजिन पाँच साल के हो गए तो अब और उनकी परवरिश कहाँ हो रही है पहाड़ के अंदर हो रही है ग़ार के अंदर हो रही है तो एक दिन उन्होंने अपने शोर को कहा कि मैं आपको ले जा एक बच्चे को दिखाती हूँ और वो लेके गई और उन्होंने हजरत इब्राहिम को दिखाया तो उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन है तो उन्होंने कहा कि ये आपका और मेरा बच्चा है बेटा है हमारा तो कहते हैं वो तो तुमने तो कहा था कि वो भाई बच्चा मिस कैरिज हो गया था ख़त्म हो गया था इंतकाल मर गया था तो ये कहाँ से आ गया तो कहा कि मैंने आपसे इस बात को छुपाया था क्योंकि मुझे ये खौफ था कि कहीं आप या नमरूद जो है इस बच्चे को कत्ल ना करवा दे तो मैंने इस वजह से छुपाया तो हज़रत इब्री सलाम को जब देखा तो हज़रत तोब्राई साम को अल्लाह ताला ने बड़ा हसीन चेहरा ता फरमाया था कदो कामत बहुत खूबसूरत कदो कामत के मालिक थे तो उनको अपने बेटे से हंसी बात है कि भाई औलाद है उनकी तो अब अब आजमाइश शुरू हो रही है किसकी अल्लाह ताला अब हज़रत इब्राहिम आल्म को आज़मा अब हज़रत इब्राही सलाम बड़े हो रहे हैं सवाल पूछ रहे हैं अपने वालद से सवाल पूछते हैं कि भई आप कौन हो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा वालिद हूँ अच्छा और आपका खुदा कौन है तो बोलते हैं कि मेरा खुदा तो नमरूद है तो कहते हैं अच्छा। नमरूद का खुदा कौन है तो कहते हैं नमरूद का खुदा कोई नहीं है वो सबका खुदा है तो कहा कि अच्छा नमरूद जो था उसका चेहरा जो था सया रंग का था तो कहा कि अच्छा वो नमरूद आपका खुदा है तो आप उससे खूबसूरत क्यों है वो आपसे ज़्यादा खूबसूरत क्यों नहीं है उसने अपने आप को खूबसूरत क्यों नहीं बनाया अब हज़रत इब्राहिम के वालिद जो है उनको खटका कि ये तो बच्चा काफ़ी जहन है और ये कैसे कैसे सवाल वो डर गए उन्होंने कहा ये नमरूद के सामने अगर इसने बात की तो वो तो इसको मरवा देगा इनको मरवा देगा तो लिहाजा अब ये सवाल शुरू हो रहे हैं वालिद के साथ देखिये कुरान में अल्लाह ते तस्करा किया है या आबती या आबाती या आबाती व इस कौले इब्राहिमली और मुफ़ जगहों पर कि आप क्यों इबादत करते हैं बुतों की आप क्यों जो है ये तो अपने वालिद को आप चैलेंज कर रहे हैं देखें एक इंसान का एक बच्चे का एक नौजवान का अपने वालिद को चैलेंज करना ये कोई मामूली बात नहीं होती है वालिद को चैलेंज करने का मतलब क्या है कि वो तो आपको घर से बाहर निकाल देगा वो तो आपको आग आप कर देगा आपको महरूम कर देगा तो वालिद के मुकाबले में खड़े हो गए क्योंकि एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और एक तरफ़ वालिद है जिमन में एक बात अर्ज़ कर दूँ कि अगर वालदे गैर शर्य कामों का हुक्म दें और गुनाह कबीरा का हुक्म दें और कुफर और शर्क की तरफ़ बुलाएं तो उनकी बात नहीं माननी लातात अलमखलूफी मासीतुलखालिक क्योंकि अल्लाह की नाफ़रमानी में अपने वाले की फरमाबरदारी भी नहीं करनी उसके अलावा जो वो हुक्म दें उनकी इत करना तबाह करना ज़रूरी है तो लिहाजा ज़िम्न यास कर रहा हूँ किब्राहिम जो थे वो अपने वालदे की को डिसपेक्ट नहीं कर रहे थे अपने वालद को डिसपेक्ट नहीं करते थे उनकी इज्ज़त और एहतराम में कोई फ़र्क नहीं था लेकिन वो क्या थे कि क्योंकि वो अल्लाह के नबी थे और वो अपने वालिद को दावत देते थे तो ये बात समझ में आ जाए हमारे जहनों में अच्छा दूसरी बात ये अर्ज़ करनी है जो हमारे बहन भाई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं ज़िमनन कि कभी भी अपने जो आपके वालदे हैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी और उसको ये नहीं समझना कि जी हाँ अगर वो ऐसा कोई हुक्म देते हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ है तो आप उसकी इतात नहीं करेंगे उसके अलावा आपने उनकी इत करनी है यहाँ पर इब्राहीम जो है उनके मुकाबले में जो है अल्लाह की जात है एक तरफ बुत परस्ती है एक तरफ तोहीद है तो लिहाजा इस वजह से वो अपने वालिद को चैलेंज कर रहे हैं तो ये है कि आप चैलेंज कर सकते हैं कि अगर आपका वालद जो है वो शिरक और, और ऐसे रसूम और रिवाज में हैं तो आप उनके साथ अदब एहतराम के साथ बात कर सकते हैं लेकिन फिर भी बदतमीजी नहीं करनी है बेद नहीं करनी है जैसे इब्राहीम ने की उन्होंने बेद नहीं की उन्होंने डिसपेक्ट नहीं किया तो लिहाजा नाजीन वालिद के सामने खड़े हो गए फिर जो है वो थोड़े से और बड़े हुए तो अपने कबीले के सामने खड़े हो गए और क्या किया जो है वो बुतों को तोड़ दिया और बुतों को तोड़ना यकीन जानिए ये उस वक्त के अंदर ऐसा था कि ये काम वो आदमी कर सकता है जो बहुत ही इंतहाई दर्जे का बहादुर हो यानी आज अगर आप मैं ये अर्ज कर रहा हूँ इस्लाम हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के मंदिर में किसी की इबादत खाने में घुस के आप इस तरह से करें अब तो एक एक, एक मुसलमा उसूल बन चुका है इस्लाम हमें इस बात का हुक्म नहीं देता लेकिन क्योंकि हजरत इब्राहिम बुत शिकन थे और वो जो थे अल्लाह ने उनको नबी बना कर भेजा था जैसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर बैतुल्ला से बुतों को साफ किया और आप जो है तौहीद की दावत लेकर आए थे इसी तरह से हजरत इब्राहिम आलम भी जो है उनकी ये रिस्पॉन्सबिलिटी थी ये उनका उनके अल्लाह ताला ने जो है उनके ऊपर ज़िम्मेदारी डाली थी ये ऐसे ही है जैसे मैं और आप हम सब दावत ज़रूर देंगे और लोगों को तोहेद की तरफ़ बुलाएंगे अल्लाह की तरफ़ बुलाएंगे और परस्ती से शिरक से लोगों को बचाएंगे लेकिन दायरे के अंदर रहते हुए ये अभी हमें हक़ नहीं है कि जी हम घुस के किसी के मंदिर में घुस के जो है वो कोई आदमी कहे जी आज मैंने मुफ्ती साहब का बयान सुना और उन्होंने हज़रत इब्राहिम साम का वाक़ सुनाया और उन्होंने बुतों को तोड़ दिया था तो लिहाजा मैं भी तोड़ रहा हूँ तो लिहाजा नहीं अब अब क्योंकि मेरी और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमने अपने आप को बचाना है और दावत और तबलीग के ज़रिए से लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना है तो की तरफ बुलाना है ठीक है इससे वो पिछले दिनों हमारा एक दोस्त था उसने एक आर्टिकल लिखा और उसमें अपनी कारगुजारी लिखते हुए कहा कि जी हम सफ़र में थे तो हमने कुछ रात जो है वो हमें एक मंदिर में हमने गुजारे तो उस रात हम दोस्तों ने कहा क्यों ना आज हम सुन्नत इब्राहिमी पूरी करें तो उसने कहा क्या सुन्नत इब्राहिमी उनका सुन्नत इब्राहिमी ये है कि सारे बुतों को तोड़ देते हैं मूर्तियों को तोड़ देते हैं तो हमने वो सारी मूर्तियाँ तोड़ दी और सुबह खामोशी के साथ निकल के भाग गए तो लिहाजा बड़े खुश हुए कि जी हमने आज रात को जो है वो सुन्नत इब्राहिमी अमल किया तो गुज़ारिश ये है कि अगर कहीं मंदिर में आपको किसी इबादत खाने में किसी ने आपको रहने के लिए जगह दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर मूर्तियाँ तोड़ते फिरें ये ये बिल्कुल शरी तौर तो पर इसकी इजाज़त नहीं है ये मेरा और आपका काम नहीं है तो वो जो था हजरत सलाम अल्लाह के नबी थे उनकी ड्यूटी थी ठीक है तो हम जो है वो दावत और तबलीग के ज़रिए से हमने ये काम करना है तो ये हरगिज़ हमें इस बात का हुक्म इस्लाम नहीं देता आ, तो लिहाजा नाजी तो ज़मन में आर्ज़ कर रहा था अब देखें उनसे पूछा भाई बुतों को किसने तोड़ा है उन्होंने कहा भाई ये तो बड़े बुट ने तोड़ा है काला बल फ़ाला कबीर उम हादा फसल इन कानून तिकून अब यह अकली तौर पर उनसे कहा कि देखो ये बड़ा बुत इसको बर्दाश्त ही नहीं था कि ये छोटे बुत हों और उसकी मौजूदगी में छोटे बुतों की इबादत की जाए तो उसको गु़स्सा चढ़ गया उसने तोड़ दिया और दूसरा ये था कि ये कैसे बुत हैं कि जो अपने आप को नहीं बचा सके खुदा कैसे खुदा खुदाएँ जो अपने आप को नहीं बचा सके और ये बड़ा जो है ये हथौड़ा इसके हाथ में लेकिन ये भी नहीं बचा सका तो ये एक अमली तौर पर उन्होंने पैगाम दिया था तोहद का कि ये इनकी कोई हैसियत नहीं है तो लिहाजा ये देखें उस वक्त में कितना बड़ा उनका उन्होंने अपने कॉम का सामना किया फिर नमरूद के साथ मुकाबला किया और नमरूद को जो है चैलेंज कर दिया बादशाह को जिसने खुदाई दावा किया था फिर उसके बाद आप देखें नाजरीन के आ, किस तरह उनको आग में जलाया कितनी बड़ी आजमाइश फिर जब अल्लाह ताला ने बड़ी उम्र में औलाद दी अलहमदिल्लाज वहाबलीबरी इसमाईल व इसहाक़ इन्ना रबिलसम दुआ तमाम तारीफ़ें उस रब की हैं जिसने बड़ी उम्र में मुझे इस्माइल इसहाक दिए मेरा रब दुआओं को सुनने वाला है तो अब बच्चा पैदा होता है और अल्लाह कहते हैं जाओ अपनी बीवी और बच्चे को ले जाकर जो है वो वादी गैर जी ज़रक के अंदर छोड़ के आ जाओ ज ना कोई चीज़ उगती नहीं है ना पानी है ना कोई खेती है ना कोई कुछ है कितनी बड़ी आजमाइश और फिर उसके बाद बच्चा बड़ा होता है फ़लम बला साया, जब चलने की उम्र को पहुँचता है तो अल्लाह कहते हैं कि बस इस बच्चे को ज़िबा करो ख्वाब में आता है तो देखें ये आजमाइशें हैं ये इब्तलात हैं तो अल्लाह ताला ने इन तजमाइशों में हज़रत इब्राहीम को पूरा किया व फ़तेना बिज़बिन आदीम इलबलाउलमुबीन अल्लाह कहते हैं कि यह बहुत बड़ी आजमाइश थी इब्राहिम के ऊपर कि जो हमने उसको आज़माया कि तुम अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हो या हमसे ज़्यादा प्यार करते हो कौन तुम तो मुवाहिद हो और तुम तो जो है वो अबुल अब्बिया हो तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये इतनी बड़ी आजमाइश थी और लेकिन उस आजमाइश में इब्राहिम जो है वो और हजरत इसमाइल जो है वो कामयाब हो गए और फते ही ना हो बिज़बिन आदीम व तारक ना आ रही हिफिल आखरीन अल्लाह कहते हैं हमने इसको फिर आखरी तक के लिए छोड़ दिया तो देखें ये है फिर अल्लाह की सलामती आती है सलाम इब्राहिम कि इब्राहिम पर सलामती हो तो ऐसी तो नहीं अल्लाह ताला ने अल्ला हजरत तजरत सलाम को अपना दोस्त बनाया ऐसे तो नहीं हम दुरूशी के अंदर ऐसे दुरूशी पढ़ते हैं और इब्राहीम सलाम पर और हुजूर की आल पर और अब पर सलाम पेशते हैं कि जैसे तूने इब्राहिम और उनके आल पर भेजा तो ये ऐसी तस्वीर नहीं है उसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك